हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल एपिसोड प्रो। मैं हूं शुभंकर। तो आज की इस वीडियो में मैं सीएससी की तरफ से एक और अपडेट आपके लिए लेकर आया हूं। तो क्या है अपडेट एंड किस तरह से आपको इस अपडेट का फायदा उठाना है, सारे के सारे हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहो बिना स्किप किए। अगर आप स्किप कर दोगे तो सारे के सारे स्टेप आप मिस कर दोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पहले बार मेरे चैनल पे आया एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एट फर्स्ट देखिए जो सीएससी का पोर्टल है, मैं सीएससी का पोर्टल लॉग इन करके रखा हुआ एंड यहाँ पर देखिए एक सर्विस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ग्रामीण नौकरी। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा एंड देखिए यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट आ गया। इस व्यू प्रोडक्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप क्लिक कर दोगे देखिए इस तरह का एक पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो ये क्या पोर्टल है मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर एक और पोर्टल लॉग इन करके रखा है। तो देखिए यहाँ पर जो पोर्टल का नाम है नेशनल कैरियर सर्विस, इस सर्विस के बारे में आपने सुना होगा। ये जो सर्विस है सीएससी में पहले ही से ही है एंड यहाँ पर देखिए ये जो सर्विस है एक गवर्नमेंट का सर्विस है। देखिए ncs.gov.in एक गवर्नमेंट का ही पोर्टल है। पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, आप सीएससी के तरफ से भी कर सकते हो एंड यहाँ से खुद भी न्यू यूजर करके देखिए यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो न्यू यूजर। एंड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने से आपका फायदा क्या होगा, अगर आपने कोई भी पढ़ाई किया एंड अभी तक नौकरी नहीं मिला तो यहाँ पर कोई भी अगर वैकेंसी निकलता है किसी भी जॉब के लिए तो आपको तुरंत उसके लिए सूचित कर दिया जाता है एंड आपको एक मेल भेज दिया जाता है एंड उस मेल में सारे के सारे डिटेल्स आपको दे दिया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर आके लॉग इन करके वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। तो सीएससी की तरफ से भी एक ऑफिशियली देखिए सीएससी ने खुद डिजाइन किया है ये जो वेबसाइट है csc.gramin.nokri.in। देखिए यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन देखिए टॉप ट्रेंडिंग कैटेगरीज आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ट्यूटर, अगर आप ट्यूटर हो तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर ट्यूटर के लिए कोई भी वैकेंसी निकाला जाता है तो तुरंत आपको सीएससी सूचित कर देगा मेल के थ्रू एंड आप उस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। उसके बाद देखिए ट्रक ड्राइवर, अगर आप कोई ड्राइवर है एंड आप कोई नौकरी ढूंढ रहे तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो जैसे कोई वैकेंसी मिलेगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए ड्राइवर ट्रैक्टर, अगर आप ट्रैक्टर चलाना चाहते हो उसके काम करना चाहते हो तो भी देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद देखिए ड्राइवर कार, अगर आप कार चलाना चाहते हो तो भी यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद देखिए इलेक्शन, उसके बाद देखिए इलेक्शन, तो इसका भी आप काम करना चाहते हो तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पर देखिए कारपेंटर है, लेबर है, उसके बाद देखिए कंप्यूटर रिपेयर है, फोटोग्राफर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे आपको कैटेगरीज मिल जाता है, जो भी आपका स्किल है, जो भी आप काम करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। और भी कैटेगरी है लेकिन मैं यहाँ पर देखिए टॉप ट्रेंडिंग में जो चल रहा है उसी को यहाँ पर होम पर दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर लॉग इन करोगे तो बहुत सारे कैटेगरी आपको मिल जाएगा। जो भी कैटेगरी के लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो कर सकते हो। तो जैसे ही उस कैटेगरी में कोई वैकेंसी आएगा सीएससी आपको सूचित कर देगा एंड आप उस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए दो तरह का लॉगिन आपको मिल जाता है। एट फर्स्ट देखिए यहाँ पर लॉगिन एंड देखिए सीएससी कनेक्ट। तो आप नॉर्मल यूजर हो तो यहाँ पर आप लॉगिन करोगे एंड अगर आप सीएससी का यूजर हो एंड सीएससी वीएलई हो तो यहाँ पर आप सीएससी कनेक्ट में क्लिक करोगे। तो मैं देखिए यहाँ पर मैं एक सीएससी का वीएलई हो तो मैं यहाँ पर सीएससी कनेक्ट में क्लिक कर देता हूँ एंड जैसे ही क्लिक कर दूंगा देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो गया, यहाँ पर आपको होम दिख जाएगा। देखिए अभी मैं होम पे हूँ। यहाँ पर देखिए टोटल जॉब सीकर यानी कितने आपने रजिस्ट्रेशन किया, टोटल जॉब प्रोवाइडर यानी कितना जॉब यहाँ पर प्रोवाइड किया गया एंड प्लेस्ड कैंडिडेट्स। तो देखिए यहाँ पर तीन कैटेगरी दिया गया है, टोटल जॉब सीकर, टोटल जॉब प्रोवाइडर, प्लेस्ड कैंडिडेट्स। तो मैं यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन अभी नहीं किया तो इसीलिए यहाँ पर 00 शो हो रहा है। लेकिन अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर उसके बाद देखिए होम के बाद मिल जाता है व्यू। व्यू में देखिए यहाँ पर सर्च जॉब प्रोवाइडर एंड सर्च जॉब सीकर, अगर आप कोई जॉब लोगों को देना चाहते हो तो आप जॉब प्रोवाइडर पे क्लिक करोगे, अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो तो यहाँ पर जॉब सीकर पे क्लिक करोगे। तो देखिए जैसे आप क्लिक कर दोगे यहाँ पर मोबाइल एंड ईमेल आपको देने के लिए बोलेगा एंड उसके बाद देखिए सर्च। तो जैसे सर्च पर क्लिक कर दोगे आपके पास डिटेल्स आ जाएगा।
आप इस पोर्टल के बारे में जानते हो, ये भी सेस में है, नेशनल करियर सर्विस। इस पोर्टल में भी सेम तरह से काम करता है। यहाँ पर देखिए आपको न्यू यूजर पे क्लिक करना होता है। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद यूजर नेम पासवर्ड देकर आपको लॉगिन करना होता है एंड वहाँ पर आपका जो भी स्किल है, जितने भी आपने पढ़ाई किया है, सारे के सारे डिटेल्स वहाँ पर मेंशन करना होता है। एंड जैसे ही कोई यहाँ पर वैकेंसी आता है तो आपको तुरंत उसके लिए सूचित कर दिया जाता है। तो इसी पोर्टल के तरह सीएससी ने भी खुद का एक पोर्टल लॉन्च कर दिया जिसका नाम है सीएससी ग्रामीण नौकरी पोर्टल। यहाँ पर देख सकते हो। तो ये यहाँ पर किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ऐड जॉब सीकर एंड जॉब प्रोवाइडर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा एंड साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही क्लिक कर दोगे, देखिए यहाँ पर एक न्यू इंटरफेस आपके सामने आ गया। देखिए यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है सीएससी की तरफ से एंड यहाँ पर देखिए एक ईमेल आईडी भी दिया गया है support@csacademy.org। यानी ये जो पोर्टल है इसको मेंटेन करता है सीएससी एकेडमी। सीएससी एकेडमी के बारे में आपने सुना ही होगा अगर आप एक सीएससी का वीएल है। सीएससी एकेडमी में बहुत सारे कोर्स किया जाता है। अभी सीएससी एकेडमी में ऑफर चल रहे हैं जो साइबर सिक्योरिटी कोर्स है जिसका प्राइस अभी फ्री रखा गया सीएससी वीएलई के लिए। सीएससी एकेडमी ऑफर दे रहा है साइबर सिक्योरिटी कोर्स फ्री में करने के लिए। और भी बहुत सारा कोर्स वहाँ पर आपको मिल जाता है, वहां से आप कर सकते हो। तो अभी हम बात कर लेते हैं सीएससी ग्रामीण नौकरी के बारे में। देखिए यहाँ पर इसका जो लोगो, देखिए यहाँ पर सीएससी का लोगो दिया गया एंड उसके बाद देखिए यहाँ पर यूजर आपको टाइप करना होगा। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको जॉब सीकर पे क्लिक करना होगा। अगर आप कोई जॉब देना चाहते हो तो यहाँ पर आपको जॉब प्रोवाइडर, यहाँ पर दोनों कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है जॉब प्रोवाइडर एक है जॉब सीकर। तो आप अगर जॉब सीकर हो तो यहाँ पर क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही क्लिक कर दोगे उसके बाद देखिए आपको मोबाइल नंबर एंड ईमेल नंबर यहाँ पर देना होगा। तो जैसे ही दोगे देखिए यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा। तो जैसे सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दोगे यहाँ पर देखिए आई हैव एग्री यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा एंड साइन अप पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर ये जो डिटेल से मेंशन कर देता हूँ एंड आगे का प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आप ओटीपी देकर नेक्स्ट करोगे, देखिए यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स देने के लिए बोला जाएगा। तो एट फर्स्ट देखिए यहाँ पर आपका फुल नेम, आपका जो भी फुल नेम है यहाँ पर आपको देना होगा कैपिटल लेटर में। उसके बाद देखिए जेंडर, जो भी आपका जेंडर है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी अपना डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको इंटर कर देना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, यहाँ पर आपको सिंगल या मैरिड ये दोनों में किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद देखिए गार्जियन टाइप में आपको चार कैटेगरी मिल जाता है, सॉन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, केयर ऑफ। यानी जिस भी कैटेगरी में आप आते हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना होगा। उसके बाद आपका जो भी गार्जियन का नाम है यहाँ पर एंटर कर देना होगा। उसके बाद देखिए मदर्स नेम, आपका जो भी मदर्स नेम है यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। उसके बाद देखिए रिलीजियन, जो भी आपका रिलीजियन है, देखिए यहाँ पर कुछ कैटेगरी दिया गया है, इसमें से जो भी आपका रिलीजियन है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैटेगरी, कैटेगरी में आपको जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी चार कैटेगरी मिल जाता है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्पेशल एबिलिटी, अगर आपके कोई स्पेशल एबिलिटी है यहाँ पर देखिए आपको नो या यस, अगर आपके पास है तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए करंट एड्रेस, जो भी आपका फुल एड्रेस लिन वन है यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, यहाँ पर एड्रेस लिन टू, यहाँ पर पिन कोड। उसके बाद देखिए आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, सारे के सारे यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद देखिए अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर देखिए सेम एज अबव यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप क्लिक कर दोगे यहाँ पर जो भी एड्रेस आपने एंटर किया वो सारे के सारे यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए एडुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर देना होगा, आप कितना पास हो यहाँ पर देखिए 10th 12th, यहाँ पर डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, ITI, सारे के सारे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो भी आपका यहाँ पर स्किल है, जो भी आपका एडुकेशन है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद देखिए स्किल, आपका जो भी स्किल है, देखिए कारपेंटर, कंप्यूटर रिपेयर, ड्राइवर फॉर कार, ट्रक, ट्रैक्टर, देखिए सारे के सारे कैटेगरी यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो जो भी आपका कैटेगरी है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर आपको देना होगा। एंड उसके बाद देखिए सिंपल सा रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही रजिस्टर कर दोगे आप यहाँ पर रजिस्टर हो जाओगे। तो मैं फिलहाल यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सारे के सारे प्रोसेस आपको बता दिया किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। एंड यहाँ पर आप देखिए कितना रजिस्ट्रेशन हो गया, देखिए यहाँ पर जॉब सीकर में आपको देखिए 4000 के करीब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है एंड देखिए जॉब प्रोवाइडर में यहाँ पर 250 यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है, लेकिन एक्टिव जॉब 0 है एंड प्लेसमेंट भी 0 है। ये वेबसाइट जो है न्यूली लॉन्च किया गया है, तो अभी यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करके रख लीजिए
एंड जब भी यहाँ पर कोई जॉब का वैकेंसी आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा एंड उस जॉब के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपका क्राइटेरिया से वो मिल जाता है तो आपको जॉब दे दिया जाएगा। तो यही था सीएससी की तरफ से एक छोटा सा अपडेट। अगर इस अपडेट को आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।